जुगाड़ शुगर केन वाला जीप। जूनागढ़ नाम के गांव में विदुर नाम का एक किसान हुआ करता था। वो गन्ने की खेती किया करता था। एक दिन शुगर फैक्ट्री ओनर हर्षा के पास आकर, सर आप हर साल फसल के बदले दिए पैसे कम करते जा रहे हो, लेकिन शुगर रेट तो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे करोगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, आने वाले दिनों में फसल भी नहीं उगा पाएंगे। देखिए विदुर जी, मुझे शुगर फैक्ट्री रखकर 10 साल हो रहा है, तब मैं आपके खेत के पास आकर आपसे विनती करता था, आज आप मेरे पास आकर विनती कर रहे हो, इसका मतलब सिर्फ 10 सालों में कितना मुकाबला हो रहा है पता चला। देखिए सर, चाहे जितना भी मुकाबला हो, इंसान में विश्वास होना चाहिए, तब कोई भी आपको फसल देने आगे नहीं आया तो मैं ही सबसे बात करके आपको फसल दिलवाया, उस बात को याद रखो। भरोसे के जितने बड़ी बातें क्यों विदुर जी, यहाँ सब कुछ डिमांड सप्लाई पर निर्भर होता है, अब मुझे बहुत ज्यादा सप्लाई है इसीलिए आपकी जरूरत मुझे नहीं है, चाहो तो आप ही दूसरे गांव जाकर वहाँ फसल दे सकते हो। कि वहाँ आया सबरवाल। अरे विदुर भाई, ऐसे नीच लोगों से क्यों मुंह लग रहे हो, अगर मौका मिला तो मारना है वरना काट देना है, बताओ इसका गला काट दूं क्या। ए विदुर, ये क्या ऐसे पागल इंसान को लाकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हो क्या, तुरंत इस पागल इंसान को यहाँ से लेकर जाओ वरना तुझ पर पुलिस कंप्लेंट दे दूंगा। जरूरत नहीं है सर, हम ही चले जाएंगे, चलो सबरवाल भाई क्यों बहस करें अब, कहकर दोनों घर आ गए। घर आकर विदुर से सबरवाल, क्यों भाई वो वैसे बात कर रहे तो बिना मारे ही वापस आ गए। तब वही मौजूद विदुर की पत्नी अदिति, क्या कहा, तेरे भैया एक किसान को मारे, वो गन्ने काटने के लिए बहुत सोचते हैं, कम से कम हिम्मत करके उस हर्षा से पूछे तो सही। वो बातें सुनकर विदुर से सबरवाल, भाई अब क्या करे बोलो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, गन्ने का पूरा जूस निकाल कर दोनों भाई एक दूसरे के साथ बैठकर गन्ने का रस पी लो, मैं रोज मजदूरी का काम करके तुम लोगों को पाल लूंगी। वो बातें सुनकर सबरवाल, भैया गुस्से में ही सही, भाभी ने एक सही बात बोली, हम गन्ने का रस निकाल कर बेचेंगे, वो जो पैसे दे रहा है उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे भैया, एक बार सोचिए। क्या बात कर रहे हो सबरवाल, गन्ने का रस हमारे घर आकर कौन पिएगा। भैया घर के पास क्यों रखेंगे, हमारे गांव में कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, पुराने व्हीकल लेकर उसे गन्ने की बंडी जैसा डिजाइन करे तो उसी में हम कई सारी जगह जा सकते हैं। वो बातें सुनकर अदिति, क्या सोच रहे हो, सही तो कह रहा है, तुम पड़ोसी गांव को जाकर भी फसल बेचोगे तो वो उस बंडी के किराए के लिए भी काफी होगा, पहले वो गन्ने के रस की बंडी का क्या करना है वो देखिए। फिर विदुर अपने जान पहचान वाले मैकेनिक से एक पुरानी जीप को गन्ने की बंडी में बदल दिया। अब वो गाड़ी में घूमकर विदुर सबरवाल गन्ने का रस को बेचने लगे। टूरिज्म के लिए आए लोग बहुत ज्यादा उसे पीने लगे। लोगों में से एक, भैया आपके गन्ने का रस बहुत अच्छा है, मैं इस गांव के मंदिर कई बार आया, यहाँ गन्ने अच्छे उगते हैं, ऐसे जूस लगाने से अच्छा होगा सोचा था, इतने में आपने लगा दिया, ये जरूर अच्छा वर्कआउट होगा आपके लिए, क्योंकि ये गांव में पूरा साल गर्मी बहुत रहता है, जरूर इस जूस का पूरा साल डिमांड होगा और वैसे ही लोग भी ज्यादा आएंगे, ऑल द बेस्ट भैया, कहकर चले गया। वो बातें सुनकर सबरवाल से विदुर, रे हम इतने समय क्यों इस बारे में नहीं सोचे, हर चीज का एक समय होता है भाई। उस वक्त से कार बाइक्स पर लोग आकर शुगर केन जूस पीकर एंजॉय करने लगे। ऐसे कुछ समय बीत गया और विदुर का व्यापार अच्छा चलने लगा। अब एक दिन अपने राउडी के साथ विदुर के पास आया हर्षा। ए विदुर, तुम तुरंत यहाँ से शुगर केन जूस की गाड़ी निकाल दो, वही नहीं तुम्हें देखकर इस गांव में लगाए दूसरे 100 गाड़ियाँ निकालने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है, देखिए ये सारा फसल भी अब से मेरी फैक्ट्री तक ही आना चाहिए, नहीं ये वो कहा तो मेरे आदमी तेरा क्या करेंगे पता नहीं। अरे मरे हुए गन्ने के जैसे लोगों को लेकर आकर हमारे गाड़ी के सामने तेवर दिखा रहे हो, दम है तो आने के लिए बोलो, कौन क्या है अभी देख लेंगे, अब तक जाने दो सोचकर चुप रहा, उस अच्छाई को तुम कमजोरी की तरह ले रहे थे ना, ये विदुर कौन है मैं भी दिखाता हूँ रे। वो बातें सुनकर विदुर की और राउडी आए, आए राउडी को हर्षा को विदुर जोर जोर से पीट कर मारा।
जिसकी वजह से वे सब भाग गए। उसके बाद शुगर केन की मंडी बहुत अच्छी तरह से चलने लगी। सैंड स्टोव पोटैटो चिप्स। विकासपुर नाम के गांव में विलोमा विनय नाम के पति पत्नी रहते थे। विनय कोई काम ना करते हुए आवारा फिरता रहता था और उनका एक संयुक्त परिवार था। उसके पिता स्वराज एक दिन विनय को बुलाकर, क्यों रे विनय, घर के बाकी लोग कोई ना कोई काम करते हुए घर चलाने में मदद कर रहे हैं, मगर सिर्फ तुम ही हो जो कोई काम ना करते हुए ऐसे दोस्तों के साथ पीते हुए वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम ऐसे ही रहोगे तो हमारे घर की परिस्थिति का क्या होगा, एक बार सोचो रे। कम से कम अब तो भी ऐसे बेकार के काम छोड़कर कोई नौकरी ढूंढ लो। ये बुड्ढा कहीं का, इस उम्र में नहीं तो और कब एंजॉय करूंगा, इनके जैसे बूढ़ा होने के बाद एंजॉय करूं क्या। मेरे उम्र में सभी यूं ही फिरते हुए एंजॉय करते रहते हैं। बड़ा आया मुझे बोलने वाला बुड्ढा कहीं का, हट, कहकर चिढ़ते हुए वहां से चला गया। स्वराज अपने पत्नी को बुलाकर, क्योरी इसे दारू पीने के लिए पैसे तुम ही दे रही हो क्या, हर दिन पीकर रोड के ऊपर सो जा रहा है, इसके वजह से गांव वालों के सामने मैं सर उठा नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ बड़ा अच्छे से खेत के काम करते हुए मेरी मदद कर रहा है, मगर इसे देखे तो आवारा बनकर फिरते हुए हमारी इज्जत निकाल रहा है। अगर वो तुम्हें पैसे पूछेगा तो तुम एक रुपया भी उसे मत देना। अगले दिन विनय उसके माँ के पास जाकर, माँ वो मुन्ना है ना बेचारा, वो बहुत गरीब है माँ, उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तुम कुछ पैसे दिए तो मैं उसकी मदद करूँगा माँ। हमारा नाम लेकर वो एक वक्त की रोटी खाएगा। रे मैं तुम्हारे झूठे बातों से तंग हो चुकी हूँ, यहाँ तुम मुझे झूठी बात बोलकर दारू पी रहे हो और तुम्हारे पिताजी मुझे हर दिन डांट रहे हैं। अब से मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, मुझे पैसे मत पूछना। इस बूढ़ी को अब क्या हुआ, वो बुड्ढा कहीं का इसे कुछ बोला है शायद, ये पैसे नहीं दिए तो क्या, ये लोग पैसे कहाँ छिपाते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है ना, मैं खुद पैसे ले लूंगा। सोचकर चुपचाप घर के अंदर के अलमारी में से पैसे चोरी किया और दारू पिया। दारू पीने के बाद घर आकर विनय, क्यों रे बुड्ढे, माँ से तूने मुझे पैसे देने के लिए मना किया था क्या, क्यों रे ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है क्या, ये सारी जायदाद मेरे दादाजी ने मेहनत करके कमाया है, ये मेरे दादाजी की संपत्ति है, बीच में तुम कौन होते हो रे, इज्जत से मेरे हिस्से का जायदाद मुझे दे दो। तब अपने पत्नी से स्वराज, क्योरी मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि इसे पैसे मत देना कहकर, अब देखो ये निकम्मा पीकर कैसे हल्ला मचा रहा है। मैंने नहीं दिया जी, वही घर में से पैसे चोरी किया है शायद, घर में छुपाए पैसे नहीं दिख रहे। तब गुस्से से स्वराज विनय को एक थप्पड़ मारा। तुम इतने दिन पीकर सबको परेशान कर रहे थे, मगर आज तूने घर में चोरी किया, ऐसा चोर घर में रहा तो सब अनर्थ हो जाएगा, निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस घर में रहने का अधिकार नहीं है, अपने पत्नी को लेकर निकल जाओ यहाँ से, एक बार रोड पे आए तो ही तुम्हें जिंदगी की अहमियत समझ आएगी, अब तुम्हारे बच्चों को कैसे पालोगे तुम्हारी मर्जी, कहकर उन्हें घर से बेदखल कर दिया। सुबह होते ही बेघर हुए विनय को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पत्नी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर विलोमा, ओ जी आप अब क्यों सर झुका रहे हैं? ये सोच आपको अपने पिताजी से अनाप शनाप बकने से पहले रहना चाहिए था, अब दुखी होकर क्या फायदा। वो नहीं विलोमा, अब हम कैसे जिएंगे, अब हमारी मदद कौन करेगा, तुम्हारा और बच्चों का मैं पालन कैसे करूंगा, इतने दिन आवारे के जैसे फिरे हुए मुझे काम कौन देगा। यूं सोचकर दुखी हो रहा था। हमें किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है जी, हम खुद कुछ न कुछ काम करके जिएंगे। जीने के लिए तुम्हें कौन सा काम आता है री? इतने दिन सारे परिवार के लिए मैंने ही खाना पकाया था ना, मुझे खाना पकाना आता है, उसके भरोसे ही अब जिएंगे, हम पोटैटो चिप्स बनाकर बेचेंगे। उसे शुरू करने के लिए तो भी हमें स्टोव गैस इन सब की जरूरत पड़ेगी ना, वो कैसे खरीदेंगे। जरूरत नहीं है जी, वो देखो उस मिट्टी को लेकर आइए, उससे मैं सैंड स्टोव बनाकर उसके ऊपर पोटैटो चिप्स बनाऊंगी, आप उन्हें ले जाकर बेचकर पैसे कमाइए। कहकर सैंड स्टोव को तैयार की। उसके ऊपर पोटैटो चिप्स बनाने लगी, वो बहुत ही स्वादिष्ट थे।
विनय उन्हें गांव में ले जाकर बेच कर पैसों के साथ लौट आया। पैसे विलोमा के हाथों में लगाते ही उसे देखकर विलोमा, ओ जी ये सब सच है क्या? आप उन्हें बेचकर सच में पैसे लेकर आए क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है जी, उन पैसों से आप दारू पीकर आएंगे सोचकर घबरा गई थी। नहीं विलोमा, मैं बदल गया हूँ। मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा होने पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब से मैं दारू नहीं पीऊंगा, एक जिम्मेदार पति बनूंगा। अपने पति में आए उस बदलाव को देखकर विलोमा बहुत खुश हुई। अपने बेटे में आए बदलाव को देखकर स्वराज खुश होकर उन्हें घर में आने दिया। तब सब मिलकर खुशी से जीने लगे।